और बॉडीज को हम ल्यूमिनस बॉडीज बोलते हैं, जिनके पास अपनी लाइट होती है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक मिरर बना दूं, मिरर, राइट, ये मैंने बेटे मिरर बना दिया, और इधर से मैंने टॉर्च ऑन करा, टॉर्च ऑन कर दिया, तो इसकी लाइट आएगी, मिरर भी शाइन करेगा, पर मिरर के पास अपनी लाइट नहीं होती, वो टॉर्च की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। मिरर को हम ल्यूमिनस बॉडी नहीं, मिरर जो है दैट शाइनिंग बट नॉन ल्यूमिनस कहेंगे। पर जिन बॉडीज के पास अपनी लाइट होती है उनको हम ल्यूमिनस बॉडीज बोलते हैं। लिखोगे, शाबाश, एवरी बॉडी राइट डाउन द हेडिंग, अ ल्यूमिनस बॉडी इज दैट बॉडी, राइट, अ ल्यूमिनस बॉडी इज दैट बॉडी विच हैज इट्स ओन लाइट। अ ल्यूमिनस बॉडी इज दैट बॉडी विच हैज इट्स ऑन लाइट, इट्स ऑन लाइट। लिखो और लिखो, शाबाश, दे शाइन बिकॉज ऑफ देयर ऑन लाइट, दे शाइन बिकॉज देयर ऑन लाइट। तो क्या टीचर ने अभी तक क्या बताया, सारे बच्चे ध्यान से दोबारा देख लो, 6th D के बच्चे अभी तक बैठे ही नहीं है। जॉश, वंस अगेन, 6th D, प्लीज स्विच ऑन योर माइक, 6th D, प्लीज स्विच ऑन योर माइक्रोफोन। बेटे 6th F में बच्चे अभी तक क्लास में रोमिंग कर रहे हैं, ओनली क्लास 6th F। तो नाउ स्टूडेंट्स सेटल्ड, आई एम वंस अगेन टेलिंग, शाबाश, दिस इज योर चांस टू रीलिसन। टीचर ने यहां पर बल्ब बनाया है, बल्ब को ऑन करते ही ये शाइन करता है अपनी लाइट की वजह से। स्टार है, ये भी अपनी लाइट की वजह से शाइन करते हैं। सन है, ये भी अपनी लाइट की वजह से शाइन करता है, लेकिन मिरर नहीं करता, ही प्लैनेट्स करते हैं। प्लैनेट जो होते हैं वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करके शाइन करते हैं। मिरर जो है वो टॉर्च की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा तब शाइन करेगा। तो अपनी लाइट की वजह से शाइन करती हैं। एक दो तीन एग्जांपल दिए टीचर ने, उनको ल्यूमिनस बॉडीज बोलते हैं, राइट। और जो बॉडीज चमक नहीं पैदा करती या अपनी लाइट की वजह से चमक पैदा नहीं करती, या तो चमक पैदा ही नहीं करती, कैसे, ये शाइन करती ही नहीं, राइट, लेकिन मिरर शाइन करता है, पर दोनों में किसी के पास भी अपनी लाइट नहीं है। ब्रिक शाइन ही नहीं करती और मिरर शाइन करता है, पर वो भी रिफ्लेक्ट करने के बाद वो टॉर्च की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है वापस, इसलिए शाइन करता है। इसको भी नॉन ल्यूमिनस बोले, इसको भी नॉन ल्यूमिनस बोले, करेक्ट। राइट ऑन एवरीबॉडी, शाबाश एवरीबॉडी। अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी इज दैट बॉडी, अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी इज दैट बॉडी विच डोंट शाइन, विच डज नॉट शाइन। आई रिपीट, अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी इज दैट बॉडी
विच डज नॉट शाइन, और इफ इट शाइन्स, और इफ इट शाइन्स कॉमा इट शाइन्स बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट. आई रिपीट, ए नॉन ल्यूमिनस बॉडी इज दैट बॉडी विच डज नॉट शाइन, और shines, or if it shines, it shines because of reflected light. It shines because of its reflected light. Because of reflected light. Examples लिख दो इसके अंदर. Brick, mirror, planet, moon. एक बच्चा मेरे से पूछता है, सर मून में तो इतनी ज्यादा लाइट होती है. यस, होती है, मून शाइन करता है, पर अपनी लाइट की वजह से नहीं करता. मून जो होता है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है, क्योंकि मून की अपनी लाइट नहीं, वो तो सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट बैक करके चमकता है. इसलिए मून को भी नॉन ल्यूमिनस बॉडी में लेंगे. ओके, कभी भी ये नहीं कहना कि ल्यूमिनस बॉडी वो होती है जो चमकती है, ना. ल्यूमिनस बॉडी वो होती है जो अपनी खुद की लाइट की वजह से चमके, जैसे स्टार, जैसे सन, जैसे ट्यूबलाइट, जैसे बल्ब, जैसे जैसे ग्लो करती हुई कैंडल. ये सारी एग्जांपल लिख लो, शाबाश. ल्यूमिनस बॉडी की सारे बच्चे एग्जांपल्स लिख लेंगे. शाबाश. नॉन ल्यूमिनस की भी लिख लो, नॉन ल्यूमिनस. देखो बेटे, व्हाइट लाइन के नीचे कौन सी है? नॉन ल्यूमिनस. व्हाइट लाइन के ऊपर कौन सी है? ल्यूमिनस. बच्चों को ये पॉइंट समझ आ गया, वो बच्चे अपना राइट हैंड वेव करेंगे. नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड. प्लीज वेव योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड. वेव योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड. शाबाश, शाबाश. डाउन डाउन. इन बच्चों को नहीं समझ आया, वो अपना लेफ्ट हैंड वेव करे. नहीं समझ आया, प्लीज डोंट हेजिटेट, लेफ्ट हैंड वेव करो जिनको ये नहीं समझ आया. सभी बच्चों को समझ आ गया, लेट्स प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे. नेक्स्ट हेडिंग, क्लासिफिकेशन. Of objects optically, classification of objects optically. Classification of objects optically. Shabash, everybody. सभी बच्चे, सभी बच्चे पेन डाउन कर दो, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे बाद में. बाद में लिखेंगे. वेरी राइट. देखो बेटे, मेरे पास ये एक रिमोट है. रिमोट, इस रिमोट के इस तरफ से मैं टॉर्च, ये मेरे, मान लो मेरे हाथ में टॉर्च है, मैं टॉर्च को ऑन करूंगा तो इस साइड से मेरे को लाइट बिल्कुल नहीं दिखेगी. राइट, एक तो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं. दूसरा, मेरे पास ये ग्लास शीट है, ग्लास शीट, राइट, ग्लास स्लैब भी बोल सकते हैं.
मैं इसमें टॉर्च को ऑन करा तो मेरे को बिल्कुल क्लियर फर्स्ट क्लास लाइट आती हुई दिखेगी। एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट, मान लो मेरे पास ये पेपर स्ट्रिप है, इस पेपर स्ट्रिप को मैंने सरसों के तेल में डिप करके निकाल लिया, मस्त ऑयल। अब इसमें मैं लाइट डिप ऑन करूंगा तो मेरे को कुछ लाइट आर पार दिखेगी, सारी नहीं दिख पाएगी, राइट, कुछ दिखेगी थोड़ी सी। इसी तरह से आपके पास नेपकिन पेपर होता है, टिश्यू, इसी तरह से ग्लेज्ड ग्लास होता है, टिश्यू पेपर भी ले लो जिससे आप हाथ साफ करते हो, नेपकिन, उसमें भी आप लाइट ऑन करो, कुछ पोर्शन लाइट का आर पार दिखेगा। इसका मतलब इस बेसिस पर कि किसी चीज में लाइट आर पार हो सकती है कि नहीं हो सकती, हम ऑब्जेक्ट्स को तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ऑप्टिकली का क्या मतलब हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट में लाइट की रे पास हो सकती है कि ये नहीं हो सकती, रोशनी की किरण आर पार जा सकती है कि नहीं जा सकती, इस बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स कितनी तरह के होते हैं, तीन तरह के। करेक्ट। देखो फर्स्ट पॉइंट, ऑप्टिकल क्लासिफिकेशन मींस, राइट डाउन, ऑप्टिकल क्लासिफिकेशन, ऑप्टिकल क्लासिफिकेशन मींस मींस कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ पासेज ऑफ लाइट, पासेज ऑफ रे ऑफ लाइट, थ्रू दी ऑब्जेक्ट, पासेज ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू दी ऑब्जेक्ट, ये ऑप्टिकली का मीनिंग होता है। अब इसके ऊपर तीन तरह की कैटेगरीज बताई थी टीचर ने। अब आज सेकेंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट पॉइंट है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। शाबाश, सभी बच्चे लिख लो। अब अगर बच्चे को इन ऑब्जेक्ट्स के नाम बताने हैं, नाम, तो उसके लिए हमें एक मेमोरी टूल बना लेते हैं, OTT। ओ स्टैंड फॉर ओपेक ऑब्जेक्ट्स, ओपेक ओके ऑब्जेक्ट्स, ओके। टी स्टैंड फॉर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट, सभी बच्चे लिख लो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। और एक और टी लिख रहा टीचर ने, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, सभी बच्चे लिख लो, शाबाश। ओ स्टैंड फॉर ओपेक, टी स्टैंड फॉर ट्रांसपेरेंट, अनदर टी स्टैंड फॉर ट्रांसलूसेंट। इसमें टीचर ने क्या क्या एग्जांपल्स दी, लाइट की रे आई, लाइट रे आई बेटे, बीच में मैंने कर दिया, RICK, इस बच्चे को ऊपर लाइट नहीं दिखेगी, ऑब्जर्वर विल नॉट सी एनी लाइट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जिसके ऊपर ओपेक। पॉइंट नेक्स्ट, पॉइंट बेटे, एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट, ओपेक, ओपी स्पेलिंग देखो, ओपेक, एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट, एक्सक्यूज मी सर, सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर।
एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट थ्रू विच रे ऑफ लाइट कैन नॉट पास थ्रू, लिखो थ्रू विच रे ऑफ लाइट कैन नॉट पास, थ्रू विच लाइट रे कैन नॉट पास. सभी बच्चे देख के लिख लो, लाइट रे कैन नॉट पास. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके बीच में लाइट आर पार नहीं हो सकती. कौन सी एग्जाम्पल दिया में? ईंट का एग्जाम्पल दिया, ब्रिक. ऐसी और कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है? कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड. और कौन सी एग्जाम्पल हो सकती है बेटे? डब्ल्यू डबल और डी वुड, लकड़ी. लकड़ी में से, गत्ते में से, ईंट में से लाइट हर बार नहीं हो सकती. के बच्चों का पढ़ने में ध्यान नहीं है मैडम, सिक्स ए के बच्चों को सिर्फ एक ही क्लास है जो पढ़ने गई, बाकी बच्चे सारे ध्यान से सुन रहे हैं. सेकंड आगे बढ़े, ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन से होते हैं? लाइट बहुत एफिशिएंटली आर पार हो सके, यानी कि लगभग सारी की सारी लाइट पास हो सके. जैसे कि कांच की शीट, जैसे कि पानी, जैसे कि जमी हुई बर्फ, राइट, जैसे कि ग्लिसरीन, राइट. जिन चीजों के बीच में लाइट बहुत ज्यादा निपुणता से आर पार हो सके, वेरी वेरी एफिशिएंटली लगभग सभी पास हो सके, उनको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. लिखो, ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट through which light can pass very very efficiently. जवाब है, सभी बच्चे लिखो, 6D के बच्चे लिख नहीं रहे फर्स्ट बेंच पे. Transparent object is that object through which light can pass very very efficiently. Efficiently के स्पेलिंग देखेंगे सभी बच्चे. Excuse me, sir. Yes, बेटे. Sir, please repeat again. Okay. A transparent object is that object. फिर से मैं धीरे बोलता हूँ. A transparent object is that object through which ray of light, through which ray of light can pass through very very efficiently. Efficiently के स्पेलिंग देखो, very very efficiently, बहुत ज्यादा निपुणता से लगभग सारी लाइट पास हो जाएगी. ये फिगर बना दो, टॉर्च को ऑन किया, लाइट रे सारी पास होगी. ग्लास शीट, एग्जाम्पल कौन सा लिखोगे? ग्लास. और क्या लिख सकते हैं बेटे? ये देखो, मैंने ये कांच का गिलास लिया ट्रांसपेरेंट, उसमें पानी रखा, और यहां से सोर्स ऑफ लाइट से बल्ब रे ऑफ लाइट आई, इस पर्सन को दिखाई देगी. यस, वाटर भी एग्जांपल हुआ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का. बिल्कुल जमा हुआ बर्फ भी हो सकता है. और कौन सी चीज टीचर ने बताई ट्रांसपेरेंट? ग्लिसरीन, GLYC, ग्लिसरीन भी एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड होता है जिससे कॉस्मेटिक्स बनती हैं. ओके, इसके भी आर पार देखा जा सकता है. अब हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनमें से लाइट का थोड़ा बहुत, थोड़ा सा भाग पार हो सके. कौन सी एग्जांपल दी थी इसमें? नेपकिन पेपर, टिश्यू पेपर,
और कौन सी दी थी? ग्लेज्ड ग्लास। कभी बेडरूम कभी 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 हम देखते हैं बाथरूम और जो कंबाइंड होता है टॉयलेट बाथरूम, उसमें एक स्लाइडिंग शीशा लगा होता है जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिखता है। ये तो पता लगता है कि कोई है शीशे के उस तरफ, पर ये पहचान में नहीं आता कि वो कौन है। हल्का सा शेडो टाइप सा दिखता है, राइट? ग्लेज्ड ग्लास। और कौन सी एग्जांपल दी थी? सिंपल कागज को सरसों के तेल में डिप करके बाहर निकालो, अ सिंपल पेपर डिप्ड इन द मस्टर्ड ऑयल। ओके, इसी तरह से एक ट्रेस पेपर होता है, लिखोगे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट। एग्जाम्पल लिखो, डेफिनेशन, अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट ए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इज दैट ऑब्जेक्ट थ्रू विच रे ऑफ लाइट थ्रू विच ले रे ऑफ लाइट कैन पास थ्रू कैन पास थ्रू पुअरली एंड पार्टली। देखो कुछ पोर्शन होएगा, देखो स्पेल, देखो पुअरली एंड पार्टली, कैन पास थ्रू पुअरली एंड पार्टली। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल्स क्या लिखेंगे बेटे? एग्जांपल क्या लिखेंगे? लिखो ग्लेज बटर ग्लेज्ड ग्लास। और क्या लिखोगे? बटर पेपर, टिश्यू पेपर। और क्या लिखोगे? सिंपल पेपर डिप्ड इन मस्टर्ड ऑयल। सिंपल पेपर डिप्ड इन मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल कौन सा होता है? सरसों का तेल, कोई और तेल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है मस्टर्ड। तो शाबाश, सभी बच्चे अपने अपने माइंड से खुद से पूछेंगे कि आपको क्या OTT का मतलब समझ आया। अगर आपको अच्छे से समझ आया, और ऑप्टिकली का क्या मतलब होता है कि लाइट पास हो सकती है कि नहीं हो सकती, राइट? अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट समझ आ गया तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वेव योर राइट हैंड। शाबाश, इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज वेव योर राइट हैंड, प्लीज वेव योर राइट हैंड। शाबाश, डाउन 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 डाउन। एक्सक्यूज जी मी सर, सर ट्रेसिंग पेपर कैन बी ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। 100% बेटे, ट्रेसिंग पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, जिन बच्चों को नहीं समझ आया, आपने अपना लेफ्ट हैंड वेव करना है। लेफ्ट हैंड, प्लीज वेव योर लेफ्ट हैंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड। वेरी गुड, देखो सारे बच्चों का नहीं, किसी का नहीं वेव कर रहा। इसका मतलब है मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों को ये पॉइंट भी समझ आया। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। शाबाश, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसको हम स्टोर कर लेते हैं। ओके, देखूं तो मैं किसकी मेमोरी अच्छी है। सिक्स डी में दो बच्चों का हम कॉम्पिटिशन करते हैं। सिक्स डी में परमवीर और तेजवीर, परमवीर और तेजवीर। परमवीर बेटे और तेजवीर दोनों माइक पे आ जाओ, दोनों में से कंपटीशन करवा के देखते हैं कौन जीतता है। अभी अभी जो हमने आर्टिकल पढ़ा बेटे, क्वेश्चन क्या है? दोनों में से जिसको आता हो एकदम से जवाब दे देना। अभी अभी जो हमने आर्टिकल किया है, उससे पहले वाले आर्टिकल का क्या नाम था? शाबाश, उससे पहले वाले आर्टिकल का क्या नाम था? ओ, दोनों ही बच्चे ने ध्यान से नहीं सुना। वर यू लेट लेट एंट्रेंट इन द क्लास? दोनों में से जिसको आ रहा है अभी आया था। हाँ, तो फिर आपने को लेक्चर ध्यान मिस कर दिया ना, आप लेट आ गए बच्चे। चलो बैठो दोनों बच्चे, गलत बात हो गई ये तो। सिक्स ए में दो बच्चों का मुकाबला करते हैं। सिक्स ए में गिरिक एंड वरुणदीप, गिरिक एंड वरुणदीप, प्लीज कम ऑन द माइक। सिक्स ए बेटे मेरा बच्चे, ध्यान से क्वेश्चन सुनना है और एकदम से जवाब देना, देखते हैं कौन जीतता है दोनों में से, गिरिक एंड वरुणदीप। माय क्वेश्चन इज, जब मैंने
ल्यूमिनस बॉडी की एग्जांपल्स दी थी, तो मैंने उसमें सन बोला था, मैंने उसमें स्टार बोला था, मैंने उसमें बल्ब बोला था, मैंने उसमें टॉर्च लाइट बोला था, मैंने उसमें ट्यूब लाइट बोला था, इसके बिना क्या बोला? तो मैंने नहीं बोला वो बताओ, स्टार, सन, बल्ब, ट्यूब, इसके बिना क्या मैंने ऐसा था? कैंडल, 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 कैंडल। तो कौन जीता दोनों में से? वरुण इज द विनर, वरुण है। सही सुना, बैठो बैठो दोनों बच्चे, वरुण है। ओके ओके, अब हम चलेंगे एफ में, दो बच्चों का मुकाबला करेंगे सिक्स्थ एफ में। हरप्रीत और सुखविंदर प्लीज कम ऑन द माइक, हरप्रीत और सुखविंदर प्लीज कम ऑन द माइक, देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन द टू स्टूडेंट्स। शाबाश, माइक पे आ जाओ, दोनों बच्चे आ गए हैं। और बेटे yes. जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूंगा, जो पहले जवाब दे देगा वो विनर है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये है, मैंने ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स की जो एग्जांपल्स दी थी वो था बटर पेपर, वो था पेपर डिप्ड इन द मस्टर्ड ऑयल, इसके बिना क्या एग्जांपल दी थी? बटर पेपर, पेपर डिप्ड इन द मस्टर्ड ऑयल, इसके बिना क्या थी एग्जांपल ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की? रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर, शाबाश शाबाश। तो कौन विनर हुआ दोनों में? सुखविंदर। सुखविंदर इज दी विनर, ही डिफीटेड हरप्रीत। हरप्रीत थोड़ा सा डिले हो गया बच्चे हमारा, इसके बिना एक और एग्जांपल दे सकते थे हम, ग्लेज्ड ग्लास, ग्लेज्ड ग्लास, ट्रेस पेपर, बटर पेपर, नेपकिन, टिश्यू पेपर, ये सारे हमारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। आगे चलते हैं बेटे, नेक्स्ट आर्टिकल में मैं क्लास वर्सेस क्लास कंपटीशन कराऊंगा, और मैं ये चाहता हूं सिक्स्थ ए वाले बच्चे अपना माइक ऑन कर लें, उनका ऑफ है, सिक्स्थ ए वाले। नेक्स्ट आर्टिकल ध्यान से सुनना है, उसके बाद सारी क्लासों का आपस में कंपटीशन कराते हैं। शाबाश, द आर्टिकल का नेम लिखो, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ध्यान से सुनना है, मैंने एक भी पॉइंट नहीं बताया, बाद में देखते हैं कौन सी क्लास जीतती है। शाबाश, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, टीचर इज गोइंग टू टेल द फर्स्ट पॉइंट। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है, जब भी ये साइंस में वर्ड आ जाए, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी रेखा में। अब ध्यान से सुनना, मान लो मेरे पास यहां पर बल्ब है और मैंने ये इस सोर्स ऑफ लाइट को ऑन किया, और यहां से निकलने वाली लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी। एक बच्चा कहता है सर नहीं नहीं मुड़ भी सकती है, मैंने कहा कैसे मुड़ सकती है भाई, कह रहा सर यहाँ पर मिरर लगा दो, मिरर से ये मुड़ जाएगी। मैंने कहा मिरर से जरूर मुड़ जाएगी, अपने आप तो नहीं मुड़ी ना, आपने मिरर रखा, मिरर से रिफ्लेक्शन हुई, उधर को चला गया, अपने आप मुड़ी क्या? कहता नहीं सर अपने आप नहीं मुड़ी। तो लाइट की ये खूबी, ये उसका गुण, प्रॉपर्टी, कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है और अपने आप से कभी नहीं मुड़ती जब तक के उसको मोड़ने की अरेंजमेंट ना करी जाए। लाइट की ये खूबी कि वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, सीधी रेखा में चलती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कहलाती है। लिखो शाबाश, द प्रॉपर्टी ऑफ रे ऑफ लाइट, नंबर वन, द प्रॉपर्टी ऑफ रे ऑफ लाइट, द प्रॉपर्टी ऑफ रे ऑफ लाइट टू प्रोपेगेट इन स्ट्रेट लाइन, टू प्रोपेगेट, प्रोपेगेट की स्पेलिंग को देखो, आगे बढ़ना,
टू प्रोपेगेट के ब्रैकेट में आप ट्रेवल भी लिख सकते हो, ट्रेवल प्रोपेगेट लाइन, दैट लीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट मींस प्रॉपर्टी ऑफ रे ऑफ लाइट टू प्रोपेगेट इन स्ट्रेट लाइन। और इसमें क्या लिखने पड़ेगा, इट डज नॉट बेंड एट एज इट्स ऑन, इट डज नॉट बेंड एट इट्स ऑन, खुद से मोड़ नहीं मुड़ती, ऐसे कभी नहीं होगा। ये लाइट ऐसे जा रही थी इधर को चली जाए, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। लाइट अपने आप से कभी नहीं मुड़ती, सीधी रेखा में चलती है। ये हो गया हमारा इसका मतलब, द मीनिंग ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, डेफिनेशन हो गया ये इसका, डेफिनेशन। शाबाश, ध्यान से सुनते जाना, बाद में कंपटीशन है आपका। लेट्स मूव टू दी सेकेंड लर्निंग पॉइंट, सेकेंड लर्निंग पॉइंट। कोई बच्चा मेरे को बोलता है, सर क्या हम लेबोरेटरी में इसको प्रूव कर सकते हैं कि लाइट सीधी रेखा में चलती है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को? मैंने कहा यस। कह रहा सर कैसे, ध्यान से सुनो कैसे कर सकते हैं। पॉइंट वन, मैंने यहां पर बल्ब ऑन करा, मैंने दूसरा बल्ब भी ऑन करा, मैंने तीसरा बल्ब भी ऑन करा, इसके सामने मैंने बिल्कुल सीधी पाइप लगाई, इसके सामने मैंने ऐसे बेंड वाली पाइप लगाई, इसके सामने मैंने ऐसे कर्वेशियस पाइप लगाई, और यहां पर इस बॉय को देखने को बोला, यहां पर इस गर्ल को देखने को बोला, और यहां पर छोटे बच्चे को देखने को बोला। बताओ इन तीनों में से, ए बी और सी, तीनों में से किसको लाइट दिखाई देगी? शाबाश, ए को दिखेगी, क्योंकि लाइट सीधी रेखा में चलती है, उसकी आंख में जाएगी, ए के पास सीधी पाइप है, यहां से लाइट यहां तक तो जाएगी, उसके बाद यहां टकराएगी, उसके बाद नीचे नहीं जाएगी, क्यों नहीं? लाइट अपने आप से मोड़ नहीं काट, ओके? और यहां पर भी लाइट ऐसे गई, यहां पर अटक जाएगी, उसके बाद नीचे को नहीं जाएगी, क्यों? लाइट कैन ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन ओनली। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये बता सकते हैं कि लाइट कैन ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन ओनली। ये फिगर बना लो, इसका क्या नाम हुआ, एक्टिविटी, एक्टिविटी टू प्रूव प्रोपेगेशन। एक बच्चा कहता है सर कोई और भी बता सकते हैं एक्टिविटी? बिल्कुल, और भी सुनो, ध्यान से सुनो कैसे। आपने क्या करा, तीन कार्डबोर्ड ले लिए, कार्डबोर्ड तीन, कार्डबोर्ड उनको ऐसे डायगोनली लाइन लगा दिया, बराबर के साइज के लेने हैं कार्डबोर्ड, और वहां पर उनके डायगोनल कट करेंगे, वहां पर आपने होल बना दिया, जहां पर टीचर ने व्हाइट डॉट लगाया है यहां पर आपने होल बना दिया। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनो, आपने एक टेबल पे जाना है, उस टेबल पे आपने बेटे क्या करना है, उस टेबल के ऊपर आपने कैंडल कैंडल बेटे, और उस कैंडल को आपने ग्लो कर देना है, उसका फ्लेम निकालना है। जब उसका फ्लेम निकलेगा तो यहां से लाइट भी जाएगी। आपने क्या करना है, तीनों कार्डबोर्ड को एक के बाद एक के बाद एक पैरेलल खड़े कर देने हैं। ऐसे ही आप यहां पर कार्डबोर्ड खड़े करोगे बराबर के साइज के टेबल के ऊपर, और आप क्या देखोगे, अगर इन तीनों कार्ड्स का होल आपस में मैच करेगा स्ट्रेट लाइन में, तीनों में से होल यहां पर स्ट्रेट लाइन में मैच करेगा, तभी इस ऑब्जर्वर को इस कैंडल से आ रही लाइट दिखाई देगी, यहां से निकल पाएगी, यहां से भी निकल पाएगी, उसकी आंखों में जाएगी। अगर इन तीनों कार्ड्स में से एक भी कार्ड को हमने ऊपर नीचे कर दिया, या साइड वाइज मूव कर दिया, या ऊपर नीचे, कार्ड नंबर वन, कार्ड नंबर टू, कार्ड नंबर थ्री, तीनों में से एक भी कार्ड को ऊपर नीचे कर दिया, तो
तो इन ये तीनों होल आपस में स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेंगे और लाइट कैंडल से नहीं जा पाएगी सीधी रेखा में, और इस ऑब्जर्वर को कैंडल का फ्लेम दिखाई नहीं देगा। यहां से ये प्रूव होता है कि अगर रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो तो ही रे ऑफ लाइट जा पाती है। इस एक्टिविटी से भी हमने क्या प्रूव कर दिया? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। पेपर में कैसे लिखोगे? स्वीप द कैंडल एंड पुट इट ऑन द टेबल इन द वर्टिकल पोज। नाउ पुट द थ्री कार्डबोर्ड सिमेट्रिकली ऑफ सेम साइज पैरेलल टू ईच अदर सच दैट ऑल द थ्री होल्स ऑफ द थ्री कार्ड कम सेम स्ट्रेट लाइन। राइट, द ऑब्जर्वर विल बी एबल टू सी द कैंडल फ्लेम। मोमेंट वी शिफ्ट वन ऑफ द कार्ड साइड वाइज द ऑब्जर्वर विल नॉट बी एबल टू सी। इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन ऑल द थ्री होल्स ऑफ कार्ड आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन देन ओनली द ऑब्जर्वर इज एबल टू सी द कैंडल फ्लेम। इस एक्सपेरिमेंट से भी हमने क्या प्रूव किया? इस एक्टिविटी से हमने क्या प्रूव कर दिया? रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लीनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ओके, ये था हमारा थर्ड लर्निंग पॉइंट। लेट्स मूव टू द फोर्थ लर्निंग पॉइंट। शाबाश, लेट्स मूव टू द फोर्थ लर्निंग पॉइंट। फोर्थ लर्निंग पॉइंट ये है कि लाइट की इसी प्रॉपर्टी की वजह से, कौन सी प्रॉपर्टी? कि ये सीधी रेखा में जाती है, मुड़ती नहीं अपने आप से। इसी प्रॉपर्टी की वजह से शैडो बन पाता है। शैडो, शैडो मैंने परछाया। देखो एग्जाम्पल सुनो, ध्यान से सुनो। सभी बच्चे थोड़ी देर के लिए पेन रोक कर देखो टीचर क्या कर रहा है बोर्ड के ऊपर। ध्यान से सुनो बेटे, यहां पर मैंने एक बल्ब लगाया, बल्ब, सोर्स ऑफ लाइट। वहां से स्ट्रेट लाइन में लाइट आ रही है और उस लाइट के सामने एक पर्सन ऐसे अपने हाथ को वाइड ओपन करके खड़ा हो गया। एक पर्सन अपने हाथ को वाइड ओपन करके खड़ा हो गया। राइट, तो क्या हो गया उसके बाद? उसके बाद जो लाइट रेज आ रही थी सोर्स से, पैरेलल रेज ऑफ लाइट क्या करेंगी? उस अंदर ये वाला पर्सन जो ऐसे खड़ा है, ये लाइट के रास्ते में रुकावट बन गया। रुकावट की इंग्लिश क्या होती है? ऑब्स्टेकल। क्या बोला टीचर ने? ऑब्स्टेकल। स्पेलिंग देखो, OBSTALE, ऑब्स्टेकल। ये ह्यूमन ह्यूमन की बजाय कोई और भी हो सकता है, चेयर भी हो सकती है, टेबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। ओके, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट ना जाती हो उसको खड़ा कर दो। जब ऐसे ऑब्जेक्ट खड़ा होएगा तो जमीन के ऊपर क्या दिखेगा उसको? इस पर्टिकुलर पर्सन को जमीन के ऊपर ऐसे शैडो दिखेगा, जमीन के ऊपर लेटा हुआ अपना। इस तरह से ये शैडो दिखा। ये शैडो क्यों दिखता है बेटे? ब्लैक कलर का शैडो क्यों दिखता है? क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेट रेज ऑफ लाइट आ रही है ना बल्ब से, सोर्स ऑफ लाइट से, वो शैडो वाले पोर्शन में नहीं पहुंच पाती, साइडो वाले पोर्शन पे पहुंच पाती है। जिस जगह पर टीचर व्हाइट डॉट लगा रहा है, व्हाइट डॉट लगा रहा है, उस तरफ उस जगह पे तो लाइट पहुंच पाती है, लेकिन जितनी जगह शेडो होती है ब्लैक कलर की वहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती, जहां पर टीचर पिंक कलर से टिक लगा रहा है। पिंक, सॉरी, देखो दोबारा देखो, पिंक कलर से है ना टिक लगा रहा है, ना टिक लगा रहा है, उस जगह पर लाइट नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि लाइट को उस पर्सन की बॉडी ने रोक लिया, ऑब्स्टिकल। लाइट कैन नॉट पास थ्रू दी ओपेक ऑब्जेक्ट, तो लाइट उसकी बॉडी की सीध में नहीं जा पाएगी। जिस जगह पर लाइट नहीं पहुंच पाती वहां ब्लैक कलर का शेडो बनता है। कब बनता है?
जब कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, किसके बीच में? बल्ब और स्क्रीन के बीच में। स्क्रीन कौन सी होगी यहां पर? ये जमीन, जमीन जमीन है ना, जो ग्राउंड, उसके ऊपर जाके शैडो बना। इसका मतलब ग्राउंड इज सर्विंग एज अ स्क्रीन हियर। तो शैडो फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चाहिए? एक सोर्स ऑफ लाइट, एक लाइट के रास्ते में ऑब्स्टिकल रुकावट, और तीसरा क्या चाहिए? स्क्रीन, जिसके ऊपर शैडो बनेगा। अगर मैं यहां पर कर्टन खड़ा कर देता, सफेद कलर का कर्टन या कागज, उसके ऊपर शैडो बन जाता, तब कर्टन क्या होता? स्क्रीन होता। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ये शैडो कैसे बनता है? लिखो सारे बच्चे, शाबाश शाबाश। टू गेट द शैडो ऑफ एन ऑब्स्टिकल ऑब्जेक्ट, टू गेट द शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, टू गेट द शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, to get the shadow of an opaque object, comma, opaque object should serve as obstacle, opaque object should serve as obstacle in the path of rays of light. I repeat, opaque object should serve as, excuse me sir, So this color is not visible. Okay, let me change. Opaque object should serve as an obstacle in the path of rays of light. In the path of rays of light. Or likho do dusra point. Shadow is that portion on the screen. Shadow is that portion on the screen on which rays of light does, on which rays of light do not reach successfully. Shadow is that portion on the screen on which rays of light do not reach successfully. क्यों नहीं सक्सेसफुली? क्योंकि बीच में ऑब्स्टिकल आ गया। फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, शैडो का कारण क्या हुआ? लिखो, शैडो इज द रिजल्ट ऑफ, मैडम, शैडो इज द रिजल्ट ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। मैडम सिक्स्थ ई में सेंटर लाइन में थर्ड बेंच के बच्चे बिल्कुल नहीं लिख रहे, आप चाहो तो इन बच्चों को क्लास से बाहर कर दो। सर प्लीज रिपीट। शाबाश, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शैडो फॉर्मेशन, फॉर शैडो फॉर्मेशन। Rectilinear propagation property of light. Sir, please repeat again. Rectilinear propagation property of light is responsible for shadow formation. For shadow formation. अभी सभी बच्चे थोड़ी देर के लिए पेन रोकेंगे और टीचर बोर्ड के ऊपर जो समझा रहे हैं उसको देखेंगे, उसके बाद आपका कंपटीशन है सारी क्लासेस का। ध्यान से देखो, शाबाश बेटे, ध्यान से देखो, मेरे पास ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, योर अटेंशन, मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, आप कह सकते हो सर बल्ब है, उस बल्ब के सामने ये एक बच्चा खड़ा है एज एन ऑब्स्टिकल, ये एक बच्चा खड़ा है एज एन ऑब्स्टिकल, एज एन ओपेक ऑब्जेक्ट। बाद ये मैंने व्हाइट कर्टन लगा दिया, व्हाइट कर्टन यानी कि स्क्रीन, स्क्रीन लगा दिया, उस स्क्रीन के ऊपर इस बच्चे का शैडो बनेगा, इस बच्चे का शैडो बनेगा।
ये शैडो बन गया बेटा इसका। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है शैडो, ये क्या है ऑब्जेक्ट एज ऑब्स्टिकल, ऑब्जेक्ट एज ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मैंने रुकावट, और ये क्या है बेटे सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। अब ध्यान से सुनना असली बात, अब सबसे खास बात है, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, इन दोनों के बीच में सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्स्टिकल के बीच में मैंने गैप लिखा डी, लेकिन इन दोनों के बीच में किसमें ऑब्स्टिकल एंड शैडो के बीच में मैंने गैप को लिख दिया स्मॉल आर। अब कंपटीशन है आपका, ध्यान से सुनना सभी क्लासों में से देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है। इस शैडो को इंक्रीज करने के लिए, इन शैडो को इंक्रीज करने के लिए मेरे को डी को, डी वाले गैप को ज्यादा करना पड़ेगा या कम? सर ज्यादा। एकदम से जवाब दो, फिर से सुनो, मैं इस शैडो को बड़ा करना चाहता हूं, मेरे कम करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा डी को? सर कम। कम। तो विनर हुई सिक्स्थ ए क्लास, सिक्स्थ ए ने सबसे पहले जवाब दिया। शाबाश, आप मेरे पास यहाँ टाइमर आ जाता है स्क्रीन के ऊपर बैठे। ध्यान से सुनो, जैसे ही डी को हम कम करेंगे शैडो का साइज हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, फिर से कंपटीशन, फिर से ध्यान से सुनना, मेरे को शैडो का साइज फिर से इंक्रीज करना, इंक्रीज, तो मैं आर को बड़ा करूं या छोटा करूं? शाबाश, अब की बार विनर हुआ सिक्स्थ एफ ने सबसे पहले जवाब दिया कि सर आप स्क्रीन को दूर ले जाओ, आर को बड़ा कर दो, आर को बड़ा करने से आपका शैडो इंक्रीज हो जाएगा। इस बच्चे ने बोला सर आर को बड़ा करने से आपका शैडो बड़ा हो जाएगा। ओके, तो आर क्या है? गैप बिटवीन ऑब्स्टिकल एंड स्क्रीन। डी क्या है? गैप बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। लिखो सभी बच्चे, टू इंक्रीज द साइज ऑफ शैडो, टू इंक्रीज द साइज ऑफ शैडो, टू इंक्रीज द साइज ऑफ शैडो, आइदर आइदर डिक्रीज द डी गैप, आइदर डिक्रीज द डी गैप और इंक्रीज द आर गैप, और इंक्रीज द आर गैप। आई रिपीट, टू इंक्रीज द साइज ऑफ शैडो, आइदर डिक्रीज द डी गैप, गैप को कम कर दो, और इंक्रीज द आर गैप, इंक्रीज द आर गैप। सभी बच्चों के लिए ये फिगर बनाना जरूरी है, वरना टीचर को क्या पता लगेगा डी क्या है आर क्या है जो चेक कर रहे हैं। ड्रा दिस फिगर, फिफ्थ पॉइंट, ड्रा दिस फिगर, फिफ्थ पॉइंट। शाबाश, अब मैं क्लासेस का कंपटीशन करने लगा हूं, देखते हैं कौन जीतता है। गेट रेडी, गेट रेडी। शाबाश, पहले तो ये बताओ ये सारे पॉइंट समझ आ गए हैं? सिंपल सिंपल रूल, वेव योर राइट हैंड डाउन 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 डाउन, थैंक यू थैंक यू। अगर किसी को नहीं समझ आया लेफ्ट हैंड वेव करो, लेफ्ट लेफ्ट, किसी को नहीं समझ आया, क्या बात है भाई, बहुत अच्छा ब्रेन है बेटे आप लोगों का। तो अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, बच्चा जवाब देता है एकदम से सबसे पहले सारी क्लासों में से, तब टीचर ने प्रोपेगेशन की एक्टिविटी समझाई थी कार्डबोर्ड वाली, तो कैंडल की फ्लेम का कौन सा कलर रखा था? ऑरेंज। सिक्स ए क्लास विनर हुई, सिक्स ए क्लास ऑरेंज। ओके ओके, एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे,
एक और क्वेश्चन पूछते हैं, शाबाश, योर अटेंशन। आपने मेरे को यह बताना है, योर अटेंशन, के टीचर ने जब पाइप्स वाला एक्सपेरिमेंट करा था, एक्टिविटी, एक पाइप स्ट्रेट दिखाई थी, एक पाइप बेंड दिखाई थी, और तीसरी पाइप कौन सी दिखाई थी? फिर से सिक्स टेबिनल का कंपटीशन नहीं कर पा रहे तो सिक्स तो बी ने दिया था, सिक्स एफ ने भी दिया है। मेरे पास टाइम आता है नहीं सर, नो आर्गुमेंट, मेरे पास टाइम आता है। सिक्स बी ने दिया था सबसे पहले तो ओके 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 ओके। लास्ट क्वेश्चन आज का, आज का लास्ट क्वेश्चन, और आप लोगों ने ये असाइनमेंट घर से करके आने हैं। इसके पहले नाइन क्वेश्चंस करके आने हैं, फिर डिस्कस करेंगे। लेकिन कब ये घर से करने हैं, आपने मेरे कल टाइम ओवर हो गया शायद, है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन कंपटीशन में देखते हैं कौन बच्चा जीतता है, कौन बच्चा जीतता है। वो उस कांच का क्या नाम था, उस कांच का क्या नाम था जिसको टीचर ने ट्रांसलूसेंट ग्लेज्ड ग्लास, फिर से सिक्स से सिक्स स्टाफ ने भी दिया है, मैंने तो ये देखना है सबसे पहले कौन सा। ओके तो ग्लेज्ड ग्लास के है। आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं, जिनको समझ आ गया पूरा प्लीज स्टूडेंट्स ऐसे एक्सक्यूज मी सर, कहना चाहता था कुछ नहीं कहना चाहते, चलो चलो कल बनाना कुछ भी।